माशाल्लाह हमारी बहू के आने से घर में रौनक आ गई। लगता ही नहीं कि इसके बगैर भी ये घर था। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। माशाल्लाह मैंने सुना है कि हमारी बच्ची बहुत पढ़ाकू हो गई है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ डैड, लगता है मॉम का लेक्चर काम आ गया। माँ पारा पे कोई लेक्चर काम नहीं करता, इसे तो सिर्फ मोहब्बत की जबान समझ आती है। क्यों माँ पारा? जी भाभी, लगता है मामा की बात काफी समझ आ गई, इसलिए रात भर छत पर जागने के बावजूद ये अब तक रायत के साथ बैठकर उसके कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अरे तो क्या ये रात भर छत पर थी? एक्चुअली पापा मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी, कमरे में कुछ अजीब सी घुटन थी, तो मैंने देखा कि माँ पारा छत से उतर के आउट हाउस की तरफ जा रही है। हमारी भाभी ठीक कह रही है। माँ पारा छत पर हवा थी क्या? नीचे तो बहुत हब्स था। हाँ भाभी छत पे तो बहुत अच्छी हवा थी। बेटा क्या तुम्हारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा जो इतनी हब्स और घुटन थी? नहीं पापा एसी तो काम कर रहा था, लेकिन उसमें उड़ा तो नहीं जा सकता ना। जैसे हवाओं में उड़ते हैं, तो तुम रात भर हवाओं में उड़ रही थी क्या? बताओ ना। वो भाभी एक्सक्यूज मी, एक जरूरी कॉल कर ली। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो चाय पियो। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? बहुत अच्छी अब्बू जी। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी है।